Welcome back to BBVN online classes. Today we are going to discuss about the question answers of chapter number 5, sorting and filtering in Excel. The first question is, we can sort data by first clicking on data tab, home tab, both A or B or view tab. तो अगर आपको डेटा शॉर्टिंग करनी है तो आपको ये ऑप्शन डेटा टैब से भी मिलेगा और होम टैब से भी मिलेगा, तो अपना आंसर होगा बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द शॉर्ट फिल्टर ऑप्शन अंडर द होम टैब. होम टैब के कौन से ग्रुप के अंदर आपको शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑप्शन मिलेगा, तो वो मिलेगा अपन को स्टाइल ग्रुप से. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड बी क्लिक टू रिमूव एन अप्लाइड फिल्टर. अगर आपको फिल्टरिंग आपने अप्लाई की है और आपको उसको रिमूव करना है तो कौन सा कमांड यूज करना है, क्लियर कमांड. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ऐड लेवल एंड डिलीट लेवल बटन. कि यहाँ पे जो ऐड लेवल और डिलीट लेवल बटन कहाँ होंगे, तो वो आपके होंगे शॉर्ट डायलॉग बॉक्स में. जो आपका शॉर्टिंग डायलॉग बॉक्स है वहां पर आपको दो बटन मिलेंगे, ऐड और डिलीट लेवल. नेक्स्ट इज, विच टैब विल यू क्लिक टू अप्लाई फिल्टर ऑन द डेटा. डेटा फिल्टर के लिए आपको कौन सी टैब पर क्लिक करना होगा, तो आप जो आपकी डेटा टैब है उस पर आप क्लिक कर सकते हो. नेक्स्ट इज, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. फिल्टर आर यूज टू हाइड डेटा. फिल्टर का यूज है डेटा हाइड करने के लिए किया जाता है. यस, फिल्टर आर यूज टू हाइड द डेटा बिकॉज बहुत सारे डेटा होते हैं, उनमें से अपन को एक पर्टिकुलर डेटा ही शो करना होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, फिल्टरिंग. नेक्स्ट इज, द शॉर्ट कमांड इज अवेलेबल अंडर द डेटा टैब. शॉर्ट कमांड है वो डेटा टैब में मिलती है. यस, इट इज ट्रू, शॉर्ट कमांड आपको डेटा टैब में मिलती है. इसके अलावा जो आपका शॉर्टिंग कमांड है आपको होम टैब में भी मिलती है. नेक्स्ट इज, You must have the column selected that you want to sort before you click on the sort command. कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में आपको sort कमांड पे क्लिक करना होगा. ये भी बिल्कुल सही है कि आपको सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करना होता है, देन उसके बाद में अपन क्या करते हैं, sort कमांड पे क्लिक करते हैं. नेक्स्ट इज, sort A to Z means arrange the data from highest to lowest. A to Z का मीनिंग ये होता है कि डेटा हाईएस्ट टू लोवेस्ट है. नो, इट इज फॉल्स. A to Z मींस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर. जब भी आप A to Z सेलेक्ट करते हो, इट मींस आप किस पे काम कर रहे हो, अल्फाबेट पे. और अगर आप हाईएस्ट टू लोवेस्ट करते हो तो आप किस पे काम कर रहे होते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू पे. नेक्स्ट इज, कस्टम फिल्टरिंग लेट यू फॉर्मेट सेल बेस ऑन ए स्पेसिफिक कंडीशन. कस्टम फिल्टरिंग है वो सेल फॉर्मेट करता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशन. जी, फिल्टरिंग का काम क्या होता है, फॉर्मेटिंग करना नहीं होता, ये आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर. जब फॉर्मेट सेल की बात करें तो वो होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर. और अगर अपन बात करें कस्टम फिल्टरिंग की, तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको डेटा है वो डिस्प्ले करता है, तो ये क्या होगा, फॉल्स. नेक्स्ट, द कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड इज अवेलेबल अंडर द होम टैब. जो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड है कहाँ पे मिलेगा, होम टैब में मिलेगा. नेक्स्ट इज, इन्वॉल्विंग अरेंज द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर फील्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आपका आंसर क्या होगा, शॉर्टिंग. नेक्स्ट, टू शॉर्ट ए कॉलम अल्फाबेटिकली द ऑर्डर बॉक्स मस्ट बी सेट टू. जब भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, सॉरी क्या सेलेक्ट करेंगे, ए टू जेड या फिर जेड टू ए. नेक्स्ट इज, यूजिंग द कमांड द क्विकेस्ट वे टू रिमूव ऑल द फिल्टर्स दैट हैव बीन अप्लाइड टू ए वर्कशीट. तो आप कौन से कमांड का यूज करेंगे, आपके सारे सारे फिल्टर जो रिमूव हो जाए, क्लियर कमांड. नेक्स्ट इज, यू विल पॉइंट टू द ऑप्शन टू रिमूव द कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास ऑप्शन आता है क्लियर रूल्स. नेक्स्ट इज, डिफरेंसिएट बिटवीन फिल्टरिंग एंड शॉर्टिंग. दोनों में डिफरेंस करना है तो आप इसका आंसर है ये भी दे सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है डेटा शॉर्टिंग और डेटा फिल्टरिंग.
अरेंजिंग ऑफ द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर फील्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. और डेटा फिल्टरिंग ए क्विक एंड ईजी वे टू फाइंड द वर्क विद अ सबसेट ऑफ डेटा दैट मीट ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट इज द डिफरेंस सॉरी वाट इज द एडवांटेज ऑफ शॉर्टिंग डेटा. डेटा शॉर्टिंग के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? तो डेटा शॉर्टिंग का एडवांटेज क्या है? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर सेट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? डेटा शॉर्टिंग. नेक्स्ट इज लिस्ट द स्टेप फॉर शॉर्टिंग डेटा. डेटा शॉर्टिंग करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स हैं? तो यहाँ पे अपन ने जब जो अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो अपन ने ये कुछ स्टेप्स लिखी थी. सेलेक्ट द सेल रेंज यू वांट टू शॉर्ट. नेक्स्ट इज सेलेक्ट द डेटा टाइप ऑन द रिबन दैट देन क्लिक द शॉर्ट कमांड. नेक्स्ट द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. चूज द कॉलम यू वांट टू शॉर्ट. डिसाइड द शॉर्टिंग ऑर्डर आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग. और नेक्स्ट आता है वादा वंस यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेलेक्शन क्लिक ऑन ओके. तो ये आपको कंप्लीट करना है. नेक्स्ट, हाउ आर फिल्टर यूजफुल इन मैनेजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. फिल्टर का यूज कैसे किया जाता है अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है? तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया है. ए फिल्टर प्रोसेस दैट रिमूव अनवांटेड डेटा फ्रॉम लार्ज डेटाबेस. यहाँ पे लिखा हुआ लार्ज डेटाबेस. सो इजीली मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. नेक्स्ट इज हाउ कैन यू रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग. मेंशन द स्टेप. कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन सी स्टेप है? तो इसका आंसर वैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है. क्लिक ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग. नेक्स्ट इज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट क्लियर रूल्स. नेक्स्ट इज फ्रॉम द एडिशनल मेन्यू सेलेक्ट क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सीट. तो ये तीनों स्टेप का यूज करके आप क्या कर सकते हो? अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हो. इसके अलावा मैंने आपको इसको अपने इसमें जो चैप्टर के अंदर है जब मैंने आपको ये प्रैक्टिकल बताया था तब भी बताया था कि ये जो आपके स्टेप्स हैं रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये भी आप लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो. अगर अकॉर्डिंग टू स्टेप है तो आप ये लिखें ज़्यादा अच्छा है.